तो लेट्स स्टार्ट, वी विल डिस्कस एंड राइट स्टार्ट राइटिंग कोड कि चाइल्ड जो है कैसे प्रिपेयर होगा, यानी कि दो दो स्टेप्स में आप लोगों को जो है डेटा भेजना है, कौन सी दो स्टेप्स है। सबसे पहले जो है अगर चाइल्ड से डेटा भेजना है तो चाइल्ड, पहली स्टेप है कि चाइल्ड को रेडी होना होगा, चाइल्ड शुड रेडी विथ डेटा, और दूसरा पेरेंट शुड रिसीव डेटा। अभी चाइल्ड को रेडी करने के लिए स्टेप्स नंबर वन, जिसमें हमें डेटा भेजना है, उसको हमें क्या देना रहेगा, एट द रेट आउटपुट हमें देना होगा, और वो फील्ड का नाम जो है, क्या नाम दे इस वेरिएबल का, मीडियर या इंटरमीडिएट या जो भी कुछ है, मीडियम जो यहाँ से डेटा भेजेगा, तो मैं इसका नाम देता हूँ चाइल्ड टू पेरेंट ही नाम देना अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे, न्यू इवेंट डिमीटर में हम लोग इसे ऐड कर देंगे, बस ये इसका देंगे। और ये भेजने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, टीएस फाइल में चाइल्ड डॉट टीएस के अंदर हमें जो फंक्शन है वो हमें फंक्शन लिखना है, ये कोड भी चाइल्ड डॉट टीएस में ही होगा पूरा का पूरा। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड डॉट टीएस, ये इतना हम लोग कर लेते हैं अपने वीएस कोड में। लेट्स स्टार्ट द वीएस कोड एंड राइट द चलो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर। ओके फाइन, अब देख रहा है सर। कल का ही सेशन था ये, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ शायद। ये सारे जो है न्यू टर्मिनल एंड डिफॉल्ट प्रोफाइल, ठीक है, तो मुझे बार बार अभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पावर शेल से, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे ना एग्जांपल है, और डू यू वांट टू क्रिएट मी न्यू पेरेंट चाइल्ड्स या इसी पे बता दे तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नया बनाना है तो आई विल डू इट अ न्यू वन। एनजी जीसी और फादर, मैंने डायरेक्टली जो कंपोनेंट है उसी के अंदर लिया है, कोई मॉड्यूल नहीं है, ऐप भी इसका पेरेंट है, बट डोंट वरी हम दोनों इसको बना देंगे। एनजी जीसी सन, ठीक है। सो यू विल रिलेट टू कौन सा फादर होगा और कौन सा चाइल्ड होगा, ये तो आप लोग अभी समझ सकोगे ना कंपोनेंट के नाम से। यस सर। ओके ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो फादर कंपोनेंट्स है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एप एंड सन ऐसा ही कुछ रहना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते। ये जो कहाँ पे बताइए, कौन से इसमें जाना है, हमें सन के इसमें जाना है, और तो बराबर ही तो है सिलेक्टर जो है, yes, बराबर sir, ही right. है, बट देन स्टिल वी विल, हाँ चलो ठीक है। तो देखो ऐसे रिलेशन होती है यहाँ पे कि ये जो है फादर जो है ये पेरेंट्स है, क्योंकि हम लोग चाइल्ड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने सीखा था कि अगर पेरेंट्स से मुझे कुछ डेटा भेजना है तो जस्ट एक फील्ड जो है इस तरह से हम लोग एरे में लिखेंगे, और लिखते हैं फादर टू चाइल्ड इस तरह से, या पेरेंट टू चाइल्ड, और जो भी डेटा भेजना है हम लोग डबल कोट में और उसके बाद सिंगल कोट में हम लोग लिखते हैं, हाय बेटा हाउ आर यू, अच्छे से पढ़ो पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसा संदेश भेजा। सपोज बेटा बेटी कर देता हूँ, दूसरे को भी किसी को तकलीफ ना हो, लड़कियों को भी लगेगा कि बेटों को ही बोल रहे हो, ठीक है, तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो ये डेटा अभी कहाँ पे रिसीव करना चाहिए, ऑब्वियसली आप लोग चाइल्ड हो
चाइल्ड पे अभी मैंने सन बना दिया, तो अभी डॉटर भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाऊंगा मैं, डोंट वरी। इसके पहले ये सन को मैसेज आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे चाइल्ड में आने के बाद, मुझे मुझे लेना पड़ेगा जो भी मतलब ये फील्ड का नाम है, और ये ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग है, और ये नाम मैच होना चाहिए वहां से, याद रखना ये मैंडेटरी चीज है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ एट द रेट कौन सा डेकोरेटर लगाना है हमें, इनपुट वाला डेकोरेटर लगाना है। इस तरह से लगा दिया। अभी ये जो है, ये वाला जो है, ये मैं यहाँ पे इसके जो HTML है चाइल्ड का, सन का जो है, उसके अंदर लिख देता हूँ और बोल देता हूँ मैसेज फ्रॉम फादर, मैसेज फ्रॉम फादर, मैसेज फ्रॉम फादर। ठीक है, फादर से मैसेज आ जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू सी एनजी सर्व डैश डैश ओ। ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा कम्युनिकेशन है, फादर फादर टू चाइल्ड वाला, बराबर ना? एंड तो टाइम हाँ, तो अभी हमने डेटा जो पेरेंट से चाइल्ड में भेजा है, ये तो हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग चाइल्ड से जो उसका रिप्लाई है, ये रिप्लाई भेज देते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकोगे। ये शायद कंपोनेंट जो है मेरा, कल वाला कंपोनेंट जो है एप डॉट एचटीएमएल में रहा रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपोनेंट है ये रजिस्टर करना पड़ेगा एप डॉट एचटीएमएल HTML के अंदर। वो कल वाला पार्ट था। हाँ, आ गया आपका, थोड़ा सा गैप होना चाहिए था यार, मैंने सही ढंग से नहीं लिखा। मैं इसे निकाल देता हूँ, आ तो गया है, बट आई बिलीव कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं पढ़ा देता हूँ ऐसे थोड़ा सा। और हाईलाइट के लिए मैं H1 टैग लेने की सोच रहा हूँ, तो इस तरह से। ठीक है, अभी यस सर। चलो, तो ये भी हो गया हमारा। अभी सन से कुछ रिप्लाई जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए रिप्लाई पेरेंट को। तो वो फील्ड किस में भेजते हैं, एट द रेट आउटपुट, ये आउटपुट डेकोरेटर का यूज करेंगे, और लिखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, या सन टू फादर। और इसका जो टाइप रहेगा, जैसे कि हमने कहा न्यू इमीटर, न्यू इवेंट इमीटर, एंगुलर कोर वाला ले लेना। यहाँ पे बड़े धोखे होते हैं, ये देखो कितने तरह के हैं यहाँ पे। इवेंट इमीटर तीन अलग अलग है, देखो ये एक्सट्रीम का है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना मेरे एरो में आप लोगों को, स्ट्रीम है, प्रोट्रैक्टर है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, एंगुलर कोर का। अगर नहीं लोगे, दूसरा लोगे, तो फिर सब करने के बाद भी एरर आएगा, तो फिर पता नहीं क्या होगा, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे इक्वल टू चाहिए, मैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, कोलन नहीं। ठीक है, सो नाउ ये जो फील्ड है सेंड टू फादर, इसके लिए ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोई बटन पे होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं सिंपल सा। एक फंक्शन बना देते हैं सेंडिंग, सेंडिंग डेटा और सेंडिंग मैसेज लिख देते हैं, मैसेज टू फादर, इस तरह से। और क्या करना है मुझे, सन टू फादर डॉट इमिट। और क्या डेटा भेजना है, अगर आपको डेटा भेजना है तो आप भेज दो यहाँ से, सीधा सिंपल कोट पे मैं भेज देता हूँ। क्या मैसेज भेजना है, आपकी यस, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, कामना पूरी करेंगे, बस ये मैसेज हमें भेजना है। तो हमने इमिट में डायरेक्टली डाल दिया, मैंने कोई वेरिएबल भी नहीं लिया। हाँ, लेकिन बेटर है कि आप कोई वेरिएबल लो, ताकि रन टाइम में आप मैसेज को चेंज कर सकते हो। ऐसे मैसेज नाम का मैं एक मैसेज ले लेता हूँ, और यू कैन डू इट दैट, यही चीज बेटर है।
मैं ऐसे डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, बट बेटर है कि अगर आपके पास ऐसा वेरिएबल रहेगा तो बाद में इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं एचटीएमएल से। ये देखो मैसेज मैंने पास कर दिया। तो ये जो मेथड है, जो हमने ये फंक्शन बनाया है, ये कौन से फाइल में बनाया है एक बार बताइए मुझे। कौन सी फाइल है आपको? ये सन कंपोनेंट सन के टीएस में, यानी कि ये चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर ही हमने आउटपुट कर दिया, बस ये सेंड करने के लिए रेडी है। अभी ये फंक्शन जो है ना, ये वाला सेंडिंग मैसेज टू फादर, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए कहीं पे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एचटीएमएल पे ना मैं यहाँ पे बटन चला देता हूँ एक, वो फंक्शन रन करने के लिए एक बटन बना देता हूं मैं, ठीक है, बटन बना देता हूं। क्लियर हो रहा है ना कौन से इसमें कर रहा हूं मैं चेंजेस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये चाइल्ड का ही इनपुट और आउटपुट चाइल्ड का ही है, ये फंक्शन भी चाइल्ड में ही है, और यहाँ पे मैं जो बटन बना रहा हूँ ये चाइल्ड में, ये बटन दबाते ही पेरेंट में डेटा चला जाना चाहिए। यस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक वाला इवेंट, क्लिक है ना। फंक्शन को आपको तो पता ही है, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो फंक्शन का नाम और क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे देखो हो गया सेंड टू, सेंड मैसेज टू फादर, ठीक है, चलो दैट्स इट। यहाँ से तो डेटा जो है वो चला जाएगा। अब बारी आती है पेरेंट्स में रिसीव कैसे किया जाए वो मैसेज की, यानी कि फादर जो कंपोनेंट है उसमें कैसे हम लोग रिसीव करें। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये सन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या चीज है, सबसे पहली बात तो आपको ना यहाँ पे जो इवेंट है ये देखो, यहाँ पे इस तरह से वहां पे जो बटन क्लिक करेंगे तो उसका डेटा आएगा, कौन से फील्ड में वो डेटा भेज रहे हैं, क्या नाम है उसका, सन टू फादर वाली फील्ड है। तो आपको रिसीव करने के लिए ये जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया, सिलेक्टर लिया, उसके अंदर आपको इस तरह से इवेंट लेना है। और यहाँ पे ये जो अभी ये तो हमने ले लिया, रिसीव कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब है ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे हैं चाइल्ड को, और यहाँ पे चाइल्ड से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, वो वेरिएबल यहाँ पे है। अभी यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन या कुछ एग्जीक्यूट करना है आप करा सकते हैं। तो आप, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, कहाँ, ये है फादर के लिए, तो मैं फादर के टीएस में ना एक फंक्शन लिख देता हूँ जिसका नाम होगा रिसीव डेटा या रिसीव मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, ऐसे लिख देता हूँ। और कोई भी जो पैरामीटर है इसमें डेटा मिलने वाला है मुझे, इसलिए मैं console.log, या आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ console.log करके कर रहा हूँ, दैट्स इट। अभी दैट्स इट, ये हो चुका मेरा, और मैं ये जो ts फाइल की फंक्शन है ये कॉल करूंगा रिसीव, ऐसे इस तरह से यहाँ पे मैं उसे कॉल करूंगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक जो डेटा आएगा वहां से इमिटर से, वो डेटा आता है इवेंट से, डॉलर इवेंट देना मत भूलना, बस। कोड बहुत ही छोटा है बट लोकेशन अलग अलग है, बहुत सारी फाइल है। आई कैन अंडरस्टैंड इट इज बिट कंफ्यूजिंग गाइस, बट एक बार आप दो चार बार प्रैक्टिस करो बस हो जाएगा आपका। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि डेटा जा रहा है या नहीं इस पे। देखो डेटा जा रहा है,
स्क्रीन नेम सॉरी ये देखो मैंने कंसोल में किया है यस सर ये जो है हाय बेटा ये पेरेंट से चाइल्ड को आया और जैसे ही ये बटन पे मैं क्लिक करता हूँ देखो ऐसा सो टेक योर टाइम गाइस सच में प्रैक्टिस कीजिए कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटी है देर आर मल्टीपल फाइल्स दैट्स व्हाई यू कैन गेट द कंफ्यूज बट आप प्रैक्टिस करोगे जितने ज्यादा एरर आएंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया एंगुलर बेसिक होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन उतनी बड़ी चीज है नहीं ठीक है चलो तो आज के लिए जो आउटपुट का था वो तो हमने देख लिया अभी दूसरा था हमारा सर्विस वाला देखो चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप जहां पे होगी यानी कि अगर मेरा पेरेंट है उससे हमें कम्युनिकेट करना है तो हम लोग ये चीजें यूज करते हैं @ input and output इस तरह से input and output ये दो decorator का इस्तेमाल करते हैं parent to child के लिए input लेते हैं child to parent के लिए हम लोग @ output लेते हैं इस तरह से हम लोग काम करते हैं लेकिन मान लीजिए इस तरह से relationship है ही नहीं मतलब कोई parent नहीं भाई भाई है अभी मान लो बिग ब्रदर और ब्रदर दो भाई है अभी इन दोनों की तो जो है पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप है ही नहीं इसका ये अलग अलग है तो हाउ कैन कम्युनिकेटेड डेटा किस तरह से एक दूसरे के साथ वो डेटा शेयर करेंगे सो वाया सर्विस कम्युनिकेशन कोई भी कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट को डेटा शेयर कर सकता है ले सकता है और दे भी सकता है एनीवन कैन एक्सेस दैट डेटा नो इश्यू एट ऑल सो ये कैसे होगा ये मैं आपको एक पेंट के जरिए एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूं एंड देन लेट्स सी कि क्या होगा मान लीजिए यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है 1000 2000 20000 जितने भी कंपोनेंट है आपके Not matter 2 3 4 5 6 7 whatever ये मेरे सारे component है और यहाँ पे मुझे कैसा data देना है सारे component एक ऐसा data बनाना है कि all component should access this data और ये दोनों ये इनके बीच में कोई भी relationship नहीं है for example ये है home ये कॉन्टैक्ट ये कोई मतलब कोई ऐसा अलग अलग सारी डिटेल्स अलग अलग सारे कंपोनेंट अलग है एक दूसरे के साथ नहीं है और मॉड्यूल भी अलग अलग है कोई लेना देना नहीं फिर भी हम लोग ऐसा कौन सा जगह पे हम लोग ऐसा डेटा रखे कि सारे कंपोनेंट उसे एक्सेस कर सके तो दैट इज आंसर इज सर्विस पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप होगी तो @ input और आउटपुट से आप डेटा शेयर करना सही से होता है बट इफ यू वॉन्ट टू द अक्रॉस ऑल द बॉर्डर्स तो आप सर्विस यूज कीजिए क्या करना है कुछ नहीं आपको डेटा करना है तो यहाँ पे ये सारे कोई भी ये जो सर्विस है ये कोई भी एक्सेस कर सकता है तो एक्सेस करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है कोई भी तरह का डिफिकल्टीज है नहीं तो कैसे एक्सेस करें इस सर्विस को तो अगर मुझे होम में एक्सेस करना है तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है होम का इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है कंस्ट्रक्टर जो होता है इसका इसके अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर होता है इसके अंदर सिर्फ आप लिखो प्राइवेट पब्लिक जो भी लिखना है और आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे कि मान लीजिए राहुल नाम का ऑब्जेक्ट चाहिए कोलन और आपके सर्विस का नाम जैसे कि माय सर्विस ऐसे लिख दो दैट्स इट इतना ही लिख दो और फिर होम के अंदर आप इसके अंदर जितने भी सर्विस के अंदर डेटा है फंक्शन है जो भी है यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो और सेम कंस्ट्रक्टर आप जहाँ पे बस इस्तेमाल करने के लिए इतना ही चाहिए मान लो इतना ये मैंने होम में लिखा अगर मैंने होम में लिखा तो आई एम एबल टू यूज ऑल द फंक्शनैलिटी व्हाट एवर अवेलेबल इन सर्विस कॉन्टेक्ट में अगर मैंने ऐसा लिखा तो मैं ऐसा भी करूंगा अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो इट इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सा डेटा, एक फंक्शन लिख देता हूँ मैं डेटा के लिए, आई एम सर्विस, और एक फंक्शन लिख देता हूँ इस तरह से, और लिखता हूँ रिटर्न में डेटा कर देता हूँ, रिटर्न में लिख देता हूँ हाय आई एम सर्विस, आई एम सर्विस, इस तरह से हम लोग करते हैं, दैट्स इट। बस इतना लिखा। तो अभी ये डेटा अगर ये मुझे फंक्शन, ये डेटा अगर मुझे होम में चाहिए तो ले सकते हो, कॉन्टेक्ट में चाहिए तो ले सकते हो। हाउ मेनी लाइंस आर देयर गाइस, लेट मी नो। बताइए कितनी लाइंस है कोड में? टू लाइंस। क्या कहती है कि अगर आप ये सर्विस इस्तेमाल करनी है तो आप उसके कंस्ट्रक्टर में बस इतना लिखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड दैट्स इट, और ये आपके सर्विस का नाम, नथिंग एनीथिंग एल्स यू हैव टू डू इट। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग, हाउ वी कैन क्रिएट अ सर्विस। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया ये इतनी ही सरल है, इतना ही इजी है, बट जब आप लोग ये पेंट पे इतना ही दिखता है, लेकिन जब आप लोग ट्राई करते हो और कोड करने जाते हो तो इतनी सारी फाइल दिखाई देती है तो कंफ्यूजन बढ़ता है। बढ़ने दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर पड़ेगा, है ना, सीखना है हमें, करेंगे। करने की चाह रखोगे तो सब लोग मिलके आगे जाएंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, डर के भागोगे तो कुछ मतलब उसे कोई हेल्प ही नहीं करेगा, क्या बोलते हो राहुल? हाँ सर, है ना, राहुल तो सबको हेल्प करता है, इसकी वजह से उसका थ्योरी बहुत, जो जितना ज्यादा हेल्प करता है ना एक दूसरे को, उसका थ्योरी इतना कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, और इंटरव्यूअर को ऐसे समझता है वो कि मान लो कि किसी स्टूडेंट को समझा रहा हो, और ऐसे एटीट्यूड वाले लोग जो है इंटरव्यूअर को बहुत पसंद आते हैं। तो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करो, जिसे नहीं समझा छोटा बड़ा कुछ नहीं, एक दूसरे के साथ समझने की कोशिश करो, हेल्प ले लो एक दूसरे की। चलो अब इस सर्विस कैसे बनाते हैं, तो देखो जैसे कि सर्विस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन जी, जनरेट के लिए जी और सर्विस के लिए यस, या मैं टाइप कर दूं सर्विस, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर्विस का नाम क्या रखे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ माई सर्विस, मैं इसे माय सर्विस स्मॉल में ही लिख देता हूँ, बाद में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है वो क्लास का नाम, ठीक है। मैंने लिखा एनजीजी सर्विस, या सर्विस लिखने की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि मॉड्यूल के लिए हम यम और यस के लिए, सर्विस के लिए यस समझता है उस तरह से। इंटर कोई नहीं, एक क्लास और एक स्पेक फाइल तैयार होगी, मतलब टेस्टिंग के लिए दो फाइल क्रिएट होगी। देखो एक है स्पेक यानी टेस्टिंग के लिए वाली फाइल है, और दूसरी है सर्विस जिसके अंदर हमें लॉजिक लिखना है। तो कहाँ पे है मेरी सर्विस, कहाँ पे आपको सर्विस फाइल दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? और गाइस इट इज अ बैड थिंग कि मैं बाहर कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी बैड थिंग, वी डोंट वांट टू द आउटसाइड। सर्विस का खुद का फोल्डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है, कोर लॉजिक जो है बिजनेस का, या जो भी मतलब इफ एल्स स्विच केस मैक्सिमम जो है बिजनेस रिलेटेड वो हम लोग सर्विस में करते हैं। तो शुड बी बेटर है कि आप एक फोल्डर बनाइए, ऐप के अंदर ही बना दीजिए, उसका नाम आप सर्विस रखो, और इसके अंदर सारी सर्विसेस आप रखो, ये स्ट्रक्चर है इसका, अच्छी बात है ये, ऑल सर्विसेस यही पे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वापस से सर्विसेस तक जाने के लिए सीडी एसआरसी सीडी ऐप सीडी सर्विस और यहाँ तक चला गया, और यहाँ पे मुझे दिखाई देने लगा है सर्विस। अभी करूंगा मैं एन जी जी यस, यस फॉर सर्विस, यस सर्विस, नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ माय सर्विस एज ऑफ नाउ। तो आपकी सर्विस यहाँ पे तैयार है, और आपको सर्विस में क्या लॉजिक लिखना है आपकी चॉइस। अभी आप मैंने वहां पे हेलो हाउ आर यू लिखने के लिए बोला, ये सर्विस का काम जो है, और एक सर्विस बना लेता हूँ एनजी यस, और मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ठीक है,
अभी कैलकुलेटर, अभी कैलकुलेटर में आप लोगों को पता है कि दो नंबर का एडिशन होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा दो नंबर का एडिशन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ एडिशन। कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं? दो नंबर लेने हैं इसलिए मैं दो नंबर, वन नंबर टू, इस तरह से। एंड ये दोनों का जो एडिशन है ऑब्वियसली मैं रिटर्न करूंगा नम वन प्लस नम टू। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाउ आर यू, जो भी आपकी चॉइस है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। चलो मैं एडिशन करके दिखा देता हूँ, आप पूरा का पूरा एडिशन वगैरह करके दिखा देना मुझे, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप टाइप जो है कोलन नंबर लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, टाइप स्क्रिप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे नंबर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया। अभी ये जो कैलकुलेटर सर्विस है, मुझे एडिशन चाहिए, मुझे मेरा खुद का कोड नहीं लिखना है। तो कोई भी, चाहे मैं फादर में हूँ, चाहे मैं चाइल्ड में हूँ, या कॉलेज में हूँ, किसी भी सर्विस में इसे मैं आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी फादर के अंदर जाके यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है मेरा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? प्राइवेट पब्लिक, आपकी जो चॉइस है लिखो। ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आपको लिखना है वो लिखो, लेकिन बेटर है कि जो सर्विस का नाम हो वही लिखना है, मतलब समझने के लिए कि ये सर्विस कौन से क्लास की है। लेकिन वे ऑब्जेक्ट का नाम का जो लेटर होगा वो स्मॉल से होगा, और आपका ये जो सर्विस का नाम होता है ये हमेशा क्लास का नाम होता है, इस तरह से। माय सर्विस देना नहीं था मुझे, बट ये सर्विस सर्विस ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो माय ही लिख देता तो ऑटोमेटिकली आ जाता था वो, ठीक है? तो अभी माय सर्विस नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए अभी? कैलकुलेटर वाली सर्विस चाहिए। तो देखो मैं कैलकुलेटर वाली ले लेता हूँ, कैलकुलेटर सर्विस। ठीक है, कितना फाइन है आप लोगों के लिए? अभी ये जो सर्विस है इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपके सामने? सही है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? लेकिन उसके अंदर आप कौन सी सर्विस डाल रहे हैं? कैलकुलेटर सर्विस। हाँ, तो मैं अगर मैं माय सर्विस, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके अंदर एनजी ऑन इट, यानी जैसे ही लोड होगा वो तो डेटा आ जाएगा वो कैलकुलेट करके। तो अच्छा से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, शो एडिशन। ये फंक्शन लिख देता हूँ और माय सर्विस को कॉल कर लेता हूँ, और एडिशन फंक्शन। इसको अभी दो नंबर पास करने हैं, तो आपकी चॉइस है, आप वेरिएबल बना के पास करो या ऐसे मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ वैसे पास करो। और यहाँ पे जो डेटा है वो आ जाएगा, रिटर्न होके आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। और आपको ये जो है आपको कहाँ पे प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि टोटल नाम का एक बना देता हूँ नंबर, दैट्स इट। इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ जीरो से, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। हाँ, तो ये जो है ये अभी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कंसोल डॉट लॉग में मैं इसे प्रिंट करूँ, तो लॉग में आप एचटीएमएल में करना चाहते हो एचटीएमएल में करो, क्या फर्क पड़ने वाला है ऐसे। तो ये जो चीज है फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एंगुलर जब आप सीखते हैं बाइंडिंग वगैरह सब कब करते हैं, वो आपको एटलीस्ट फंक्शन बनाना, फंक्शन कॉलिंग ये आना चाहिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट में ये सारी चीजें सीखते हैं, इफ एल्स, स्विच केस, प्योरली, ठीक है? यानी कि अब तक जितना भी हमने सीखा है सारा ये काम हो जाएगा। बस इतना ही मेरा काम था। अब ये फंक्शन मैं पेरेंट्स का कोई भी एक बटन बना दूंगा और बटन पे जो है एग्जीक्यूट कर दूंगा, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पे बटन बना दूंगा कॉल्स सर्विस फंक्शन, सर्विस फंक्शन और एग्जीक्यूट सर्विस। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, कौन सा इवेंट लिखना है हमें? क्लिक, क्लिक का इवेंट लिखेंगे। और हमारा इसका जो फंक्शन है इसका नाम क्या है, इसमें जो हमने लिखा है फंक्शन? शो एडिशन। शो एडिशन, एन खा लिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं।
इस पे हम लोग आते हैं, बस हो गया, ये एनजी सब नहीं था क्या? बस इतना ही था।